यस स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज पेपर सॉल्यूशन, और इसमें आपके काफ़ी डाउट हैं तो सारे डाउट जो हैं वो कवर करते हुए चलेंगे और सिंपल तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। देखिए क्या है, 2/factorial 3, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन की सॉल्विंग अप्रोच पे डिपेंड करता है। 4/factorial 5 प्लस 6/factorial 7 एंड सो ऑन, राइट। तरीका आपको बताया था, एनिट टर्म निकालो, टू फाइंड एनिट टर्म फ्रॉम गिवन सीरीज, तो 2, 4, 6 का 2n/2n+1, राइट। n की जगह 1 रखो तो ये मिलना चाहिए, 3 रखो तो देखो 6/7। अब सॉल्व करना है तो +1 कर दिया और -1, तो 2n+1/2n अलग लिखा, -1/2n+1 सेपरेट, ये कैंसिल, 1/2n -1/2n+1। अब 1/2n का मैंने आपको बताया था डायरेक्टली कि आप जब 1 रखते हैं तो 1/2 फैक्टोरियल से स्टार्ट होती है, तो ये होता है e+e−1 माइनस ऑफ, यहां पर 1 रखो तो 1/factorial 3 से स्टार्ट हो रही है तो इसमें भी -1 होगा, तो e−e−1 सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वैसे सिंपल है बेटा, देखो क्या, 1 1+x/factorial 1 1+x² / factorial 2। अब वैसे आपको इन क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए वो भी एक चीज समझो, आपसे x पावर n का कोफिशियंट पूछा है, राइट। अब ये तो डायरेक्ट वैसे फॉर्मूला है e+1+x का, और e+1 × e·x, अब इसमें x की पावर n 1/factorial n ही होगा, तो e × 1/factorial n। देन क्वेश्चन नंबर 5th क्लियर होगा, सिंपल है। देन 6 क्लियर। 7th log x जो दिया है वो n हो जाएगा, उसकी जगह पे करना है नो, क्योंकि आपके डाउट्स जो हैं वो डाउट्स बाकी सबके भी हो सकते हैं। 8 डन। देन क्वेश्चन नंबर 9th 10th 11th 12th 13 में दो सेपरेट फॉर्म में लिख दो, मतलब ये है, समझिए ऐसा है, 1+3/factorial 1 log 3 + 1+3² / factorial 2 log 3² एंड सो ऑन। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, एक 1 वाली सीरीज अलग ले लो, एक 3 वाली अलग ले लो, तो मतलब ऐसा लिखो 1/factorial 1 1/factorial 2, log 3 भी आएगा साथ में, तो log 3 बाहर भी लिख सकते हो, 1+1/factorial 2 + 1/factorial, यस और नो, राइट। अब एक दिक्कत है, log 3 नहीं आएगा यहाँ पर, log 3 ही लिखोगे क्योंकि वो स्क्वायर है पावर में, फिर log 3 का होल स्क्वायर, फिर log 3 का होल क्यूब, ऐसे चलेगा है ना, क्योंकि स्क्वायर बढ़ रहा हो, प्लस ये आएगा 3 times of 3 log 3/factorial 1 3 log 3² / factorial 2 एंड सो ऑन। अब देखो e पावर x की सीरीज आपको मैंने अभी सबसे पहले रिवीजन इसी का करवाया था, आप ये ध्यान रखो कि x 1 से स्टार्ट होती है, 1 नहीं है तो कोई बात नहीं, तो ये जो सीरीज है e पावर log 3 की है, -1 लिखोगे यस, और ये जो है e पावर 3 log 3 की है और -1। अच्छा e पावर m log n, हमेशा n पावर, अगर log का बेस और पावर का बेस सेम हो तो एक्सपोनेंशियल में तो log का बेस बाय डिफॉल्ट ही होता है, तो ये मिला कितना, 3 − 1 + 9 − 27 − 1, तो 28 इज द राइट आंसर। देन 14 देखिए, 14 में क्या है बेटा, 14 है 1 1+a/factorial 2 1+a+a² / simple question है फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले जब इसका एनिट टर्म निकालोगे आप तो वो क्या होगा, 1
प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू एन टर्म, क्यों? क्योंकि वन में वन टर्म है, टू में टू टर्म है, थ्री में थ्री टर्म है, फोर में फोर टर्म है, तो एन में एन टर्म होंगे अपॉन फैक्टोरियल एन। अब ये जीपी है और जीपी के एन टर्म का समेशन लगेगा, तो ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, राइट। अब इसको अलग लिख लो, वन अपॉन वन माइनस ए बाहर लिख दो, और इसको वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस ए पावर एन अपॉन, ये मिला वन अपॉन वन माइनस ए ई माइनस वन माइनस ई पावर ए माइनस वन, यस और नो? तो फाइनली आंसर आ गया ई माइनस ई पावर ए अपॉन वन माइनस ए या ई पावर ए माइनस ई अपॉन, जो भी दिया हो जिस फॉर्म में, राइट। पर 15 डन, और डाउट है 16 क्लियर है? कोई भी जरा भी डाउट है पूछ लीजिएगा। 17 ए माइनस बी बाय ए को x मान लो, तो एक तरह से 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 ऐसी सीरीज हो गई वो, हाँ। देन 18, अब 18 देखिए, जैसे ही लॉग में आता है, अक्सर लॉग में कंफ्यूजन होता है, वो कैसे दूर होगा बता रहा हूँ। 1 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 4x क्यूब एंड सो ऑन, राइट। ये क्लियर है बात? अब एक चीज बताइए, इसमें 1 इंटू 2 मान सकते हो आप चाहो तो, ये 2 इंटू 3 है, वो 3 इंटू 4 है। अब लॉग जब फैक्टोरियल नहीं होता तो लॉग की सीरीज लगती है। अब लॉग 1 प्लस एक्स जो होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन, और लॉग 1 माइनस एक्स होता मान लो तो माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय एंड। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो? थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, अभी पूरा समझा रहा हूँ तरीका, ठीक है? और आप एक काम करो, वन बाय एक्स को अभी वाई मान लो, समझने के लिए क्या मान लिया आपने, तो इसको वाई लिख सकते हो, माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री वाई स्क्वायर माइनस, एक्चुअल में लॉगरिथमिक को सॉल्व करने की टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ेगी, वाई क्यूब एंड सो ऑन, राइट। अब एक चीज बताइए, ये वन को अभी ऐसे रहने दो, आपको दो सीरीज मिल रही है, मैं वन वाली ये फर्स्ट वाली अलग कर रहा हूँ, सेकंड वाली अलग कर रहा हूँ, तो जब फर्स्ट वाली अलग कर रहा हूँ तो वन इधर बोलो y माइनस, पहले ऐसा मिला होगा y बाय टू माइनस वाई स्क्वायर बाय टू माइनस वाई क्यूब बाय वो वाई स्क्वायर बाय थ्री माइनस, समझना वाई क्यूब बाय थ्री माइनस वाई क्यूब बाय फोर। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली होती है, वो ये कि x की डिग्री और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो यहाँ तो सेम है फर्स्ट वाले में, सेकंड में नहीं है, तो वो तो मल्टीप्लाई करके बना लेंगे, तो मैं सेकंड वाली सीरीज को अलग लिख रहा हूँ। कौन कौन से? वन, ध्यान देना, वन माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई बाय टू इसमें वाई का मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस हो गया वाई स्क्वायर बाय प्लस, ये पूरी एक अलग लिख ली मैंने, हाँ फोर, सॉरी फोर, कहीं लिखने में मिस्टेक हो जाए तो बता दीजिएगा। अच्छा ये पहली वाली अलग लिख रहा हूँ, तो माइनस बाहर ले लूँ, तो y वाई स्क्वायर बाय टू वाई क्यूब बाय थ्री वाई फोर बाय फोर एंड सो ऑन। अब केवल इसमें मैं एक y का मल्टीप्लाई और y का डिवाइड कर दूँ तो ये भी सीरीज बन गई, क्यों भाई? एक तरह से हम देखें तो एक कॉमन ही हो गया, ऐसा ही बोल सकते हो ना, कॉमन हो गया, नहीं? अरे ये भी यही है, ये भी यही है, तो आपको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, वन अपॉन वाई माइनस वन इन टू ऑफ दिस, नहीं लिखना चाहो तो अलग बात है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो वाई स्क्वायर बाय टू वाई क्यूब बाय, अब अगर इसका पूरा माइनस कॉमन ले लो तो वो बन गया, तो ये क्या हो गया बेटा, वन बाय वाई माइनस वन इन टू माइनस ऑफ लॉग, अब ये माइनस से ये रिप्लेस हो जाएगा, तो इसको 1 माइनस 1 अपॉन y इंटू लॉग 1 माइनस y लिख सकते हैं, y तो कुछ था ही नहीं, तो 1 माइनस x लॉग 1 माइनस डन
नोट डाउन. यस, क्वेश्चन नंबर 19. डाउट है? देखिए 19 भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक्स स्क्वायर बाय टू. सबसे पहले तो जब फैक्टोरियल नहीं हो तो समझ जाओ लॉग का क्वेश्चन है, क्यूब. अच्छा, दूसरा ये कि आप हमेशा देखें कि ऊपर नीचे के टर्म में कितना डिफरेंस है. अगर ध्यान दें तो ऊपर और नीचे के टर्म में 1 का डिफरेंस है, तो आप इसे 1 माइनस 1 बाय 2 लिख सकते हैं. इसको 1 माइनस 1 बाय 3 या सुन लो प्लस 1 माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 माइनस 1 बाय 5 एक्स पावर 5 एंड सो ऑन. अब 1 वाले टर्म अलग ले लीजिए. लॉगरिथमिक सीरीज में जीपी के काफी कंसेप्ट लगते हैं, याद रखना. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 प्लस एक्स 5, ये पूरी एक सीरीज अलग ले ली. और माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 एक्स 4 बाय 4 एक्स 5 बाय 5. अगर थ्रू आउट पॉजिटिव है तो लॉग 1 माइनस एक्स की सीरीज माइनस के साथ होती है और एक्स कम है इसमें. जो चीज एलएचएस में नहीं है वो आरएचएस में. ऐसा दिमाग में रखो कि लॉग 1 माइनस एक्स होता है माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 एंड दिस वन. तो अब इसका मतलब ये हुआ है. और ये इनफाइनाइट जीपी जिसका समेशन राइट, तो ए अपॉन 1 माइनस आर आर एक्स है, माइनस अलग लिखो, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स. ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, ये पहले तो आपने माइनस कॉमन लिया तो ये पूरा ऐसा हो गया, ये पूरी प्लस हो गई, और एक्स भी आएगा तो माइनस का ही होगा. ये मिस्टेक हो सकती है, इसलिए केयरफुल रहिएगा. अब जब ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस लॉग ऑफ, इसका एलसीएम लीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा मिलेगा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स. 20 क्वेश्चन में क्या है, ये y इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3. तो ये तो सीधे सीधे लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज है. और अगली एक और दी है y, फिर रिलेशन पूछा है y प्लस y स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 y क्यूब बाय, अब इसमें एक कमी है 1 नहीं है, तो ये e पावर y माइनस 1 की सीरीज है. अब y की ये वैल्यू यहां रख दो, e पावर log 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये बचा 1 प्लस एक्स माइनस 1 देन x. देखिए 24th क्वेश्चन क्या है, y प्लस y क्यूब बाय 3 प्लस y पावर 5 बाय 5 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस x पावर 5 बाय 5 एंड सो ऑन. ये दोनों ऑड की सीरीज हैं, है ना. ये भी y प्लस y क्यूब बाय 3, तो आपको एक सीरीज आपने पढ़ी है ना, log 1 प्लस x माइनस लॉग, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ, बोलो एक्स एक्स क्यूब बाय, यही होता है यस और नो. जब आप माइनस करते हो तो ये वाली पूरी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है, इवन टर्म कैंसिल होते हैं, ऑड टर्म बचते हैं. नहीं, माइनस नहीं आता ना, आप भूल गए. यही तो मेंटली दिमाग में रखना है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और जब 1 माइनस एक्स लिखते हैं तो माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2. अब आप माइनस करते हो तो ये प्लस हो जाता है और ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है, प्लस वाले में माइनस आता है कॉमन. अब इसमें ये 2 टाइम ही दी हुई है पर इसमें 2 नहीं है, तो एक तरह से ये ऐसा हो गया 1 बाय 2 लॉग 1 प्लस वाई अपॉन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम पहले से ही है, तो सीधा सीधा लिखो लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन. अब ये 2 उधर ले जाओ तो स्क्वायर लिख सकते हो और लॉग कैंसिल, तो 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू, बस इसको ओपन करके स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा. आएगा, करिए. तो 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स का, आप करो मैच कर जाएगा. देखिए 25th ने बोला है कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर एन इन द सीरीज ऑफ इफ एन इज. अब इस क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन से ही बताऊंगा, मेथड से भी. सबसे पहले तो समझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 इवन की सीरीज है, 1 से स्टार्ट है, तो ये ई पावर एक्स प्लस बाय
का होल स्क्वायर है, यस और नो? तो एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हो इसको, मतलब इसमें आप 1/4 को बाहर लिख दीजिए, e पावर प्लस e पावर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 2, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट? अब आपसे बोला है कि कोफिशियंट ऑफ x पावर n और n क्या इवन है, तो इसमें क्या दिक्कत है? दोनों के x पावर n के कोफिशियंट बता सकते हो इजीली, इसमें ये तो आएगा ही नहीं 1/2, ये तो खत्म हो गई कहानी, तो केवल आपको कि इससे ही निकलेगा, तो क्या हो जाएगा बोलो? 1/4 इसमें होगा 2 पावर n अपॉन, और इसमें यस बाय फैक्टोरियल खत्म, और 2 पावर n बाय फैक्टोरियल n कॉमन ले लो आप चाहो तो, और चाहो तो एक काम कर सकते हो, n की कोई वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हो, समझ में आया? ई पावर 2x का सीरीज खोलोगे ना तो ऐसा मिलेगा ना बेटा, 1 2x की पावर 1 बाय फैक्टोरियल 1 2x की पावर 2 बाय लाइक दिस, क्लियर है बात? इसमें तो आएगा ही नहीं, ये तो 2, इसमें तो x बचा ही नहीं है ना, इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो 2 का स्क्वायर 1/4 बाहर लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab तो a इंटू बी आपस में कैंसिल हो गया, अब कोफिशियंट बता रहा तो इनमें से ही निकलेगा, इसलिए ये कोफिशियंट लिखा है, कोफिशियंट ऑफ x पावर n, अब चाहो तो n की जैसे वैल्यू मान लो 2, तो इसका मतलब इसका बताना है आपको, ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हो। देन 26 डाउट है बता देता हूँ, देखिए क्या क्वेश्चन है 26, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/4 का, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें आपको समझना है ये 1/2 का स्क्वायर है, ये 1/2 की पावर, जैसे एक क्वेश्चन कर रहा था 1/2 को चाहो तो थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, समझना आसान होगा आपको, समझना आसान होगा और कोई रीजन नहीं है, तो आप ये लिखोगे 1 बोलो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो वाई वाला किया था, अरे भैया एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 3, अब इसके साथ अलग ले लेंगे और एक एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड, क्वेश्चन ही वही है, बस इसमें एक्स की जगह क्या है 1/2 और वहां 1/x ही था, याद आ गया 1/x वाला, फिर बोलो अगला 1/x की पावर 4 बाय प्लस एक्स की पावर 5 बाय फिर हाँ 4 सॉरी ये कहीं गलत लिख दो तो देख लेना, एक्स पावर 5 बाय एक्स पावर 5 बाय 6 आएगा, कहां पर 6 आएगा? हाँ 6 बनेगा, तो यहां पर भी 6 होगा और ये होगा 6 और वो होगा 5, वहां पर अरे इसके बाद का टर्म क्या होगा, देखो 2, 3, 4, 5 तो 6 ही तो होगा, 6 और 7 होगा और ये 6 ही होगा, अब आप x ये वाले अलग लिख लो 1 x स्क्वायर वाले अलग लिख लो, तो आपने अलग लिखा 1 x स्क्वायर बाय 3 x पावर 4 बाय 5, ये पूरी सीरीज अलग लिखी प्लस x स्क्वायर बाय 2 x 4 बाय 4 x 6 बाय 6 ये अलग लिखी, राइट? अब इसमें एक x का मल्टीप्लाई डिवाइड लगेगा, कर दो तो ये 1 बाय x, तो बोलो x x क्यूब बाय 3 x पावर 5 बाय और ये इवन की सीरीज है x स्क्वायर बाय 2 x 4 बाय 4, अब आप अभी जो बोल रहे थे वो ये है, ये इवन की सीरीज है या ऑड की सीरीज है, ये 1 बाय एक्स बोलो 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन यस और नो, और ये भी 1/2 होगा पर माइनस का, माइनस 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? ये क्लियर है बात, क्योंकि ये ऐसा बनता है ना प्लस आता है दोनों में, तो इसलिए अब x की जगह क्या रख दो 1/2 और सॉल्व करो, तो 1/2 रखा तो ये 2 हो जाएगा, क्वेश्चन ही वही था, तो 2 इंटू बोलो 1/2 लॉग 3/2 अपॉन 1/2 माइनस 1/2 लॉग 3/4, राइट? ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2, तो बोलो लॉग 3 माइनस माइनस बोलो लॉग 1/2 लॉग 3/4, इसका एलसीएम ले लो 2, तो 1/2 बाहर, तो लॉग 9 माइनस लॉग
एम बाय एन लगाओ तो 1 बाय टू लॉग 9 अपॉन 3 बाय 4 तो लॉग 12 या लॉग अंडर रूट 12। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज सुनिए, इस क्वेश्चन में फैक्टर नहीं बन रहे, आप उलझ सकते हो, तो आपके पास कंसेप्ट होंगे तो आप कभी नहीं उलझोगे। मैंने 1 माइनस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अब ऊपर बन गया लॉग 1 माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स। अब मैंने लिखा लॉग 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस लॉग, अब एक्स पावर 8 इवन नंबर है तो इसमें तो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे तो होगा ही नहीं, और इसमें एक्स पावर 8 होगा और आगे माइनस लगा तो पूरी सीरीज प्लस की, तो 1 बाय 8 इज आंसर, सिंगल स्टेप। 39 देखिए क्या है, 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस ऑफ 1 बाय 2 स्क्वायर, 4 दिया मैंने 2, चलो 4 ही लिखा रहे दो, क्या है 2 का स्क्वायर मतलब 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 6 1 बाय 2 का क्यूब प्लस 1 बाय 3 का क्यूब, मतलब इसमें ऐसा है ये 1 बाय 2 है फिर 4 है फिर 6 है, अगर मैं इसके आगे लिखूं तो माइनस 1 बाय बोलो 8 1 बाय 2 की पावर 4 प्लस 1 बाय 3 की पावर, ऐसे चलेगा राइट, यस और नो। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इस 1 बाय 2 को तो 1 बाय 2 ठीक है, ये 1 बाय 2 है ना, इसको मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस, समझना इस ये कितना है 1 बाय 4, तो अब 1 बाय 4 को अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं माइनस 1 बाय रूट 2 की पावर 4 बाय 4, करना सॉल्व जरा, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं प्लस 1 बाय रूट 2 की पावर 6, 2 का क्यूब है ना तो रूट लिख दिया बाय 6। अब देखो 1 बाय रूट 2 एक्स जैसा काम करेगा तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स 4 बाय 4 प्लस माइनस जरूर चल रहा है, अभी वो देखते हैं क्योंकि अभी उसकी भी सीरीज आएगी, वो 1 बाय 3 के साथ आ जाएगी, ठीक है। अब बोलो कितना ये प्लस होगा, मैं बताऊं पूरी सीरीज प्लस की होगी। अब इधर आ जाओ, अब इसको भी सेम ऐसे ही लिखो, वो पूरी प्लस की होगी, 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर बाय बोलो 2, 1 बाय रूट 3 की पावर बाय 4, 1 बाय रूट 3 की पावर 6 बाय, ये आ गई राइट। अब ये इवन की सीरीज है और वो ऑड की सीरीज है, 1 बाय 2 दोनों में नहीं है तो इसको लिखोगे 1 बाय 2 लॉग, इवन की सीरीज है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 लॉग बोलो राइट, 1 बाय 2 ओवरऑल कॉमन ले लो तो लॉग बोलो लॉग 2 बाय लॉग एम इन टू एन लगाओ तो लॉग 1 बाय 3 या माइनस लॉग। आप इतनी जल्दी कंफ्यूज आते, ये नहीं दिया तो ये तो दिया लॉग 1 बाय रूट 3। देखिए 40 क्वेश्चन क्या है, द कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर 7 लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो ये खैर ऐसा क्वेश्चन है माइनस लॉग, इसको फैक्टर बनाओ तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो, देखो मल्टीप्लाई करके 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और आगे माइनस लगा हुआ है क्योंकि 1 अपॉन है, बस अब दो अलग अलग सीरीज हैं ये, लॉग 1 माइनस एक्स की और माइनस लॉग। अब सुनो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, अब एक्स पावर 7 बोला है तो इसमें तो मिलना ही नहीं है, सीधा इसमें मिलेगा और आगे माइनस पहले लगा तो 1 बाय 7। देखिए 42 क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ई पावर एक्स इक्वल टू वाई प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ वाई। अब आपसे यहाँ पर y की वैल्यू पूछी है और ऑप्शन कुछ इस ढंग के e पावर x माइनस e पावर माइनस x राइट है ना, अब y की वैल्यू पूछी और दिया e पावर x है तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो e पावर x माइनस y इक्वल टू रूट 1 प्लस राइट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो e पावर 2x माइनस 2y e पावर x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ये कैंसिल राइट। अब
आप चाहो तो e पावर 2x माइनस 2y e पावर x इक्वल टू क्या बचा 1। अब मैं e पावर x का डिवाइड कर रहा हूं, समझना। तो e पावर x का डिवाइड किया तो e पावर x माइनस 2y इक्वल टू e पावर माइनस x। क्या पूछा है y, तो 2y इक्वल टू e पावर x माइनस e पावर माइनस x बाय 2 का डिवाइड कर दो। मतलब ना सीरीज लगी ना कुछ लगा, बस पेपर क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक है जो डेवलप करना चाहिए, पेपर एनालिसिस से वो बहुत अच्छे से मैं डेवलप करवाऊंगा, चिंता मत करो। मैट्राइसेस वाला पेपर बहुत सिंपल था, डिफरेंशिएशन वाला सिंपल था, फाउंडेशन से हो जाएगा, बस इसी में थोड़े डाउट थे, करो जल्दी फटाफट बेटा। ऐसा ई पावर माइनस 1/5, इसमें क्या है कि जब भी कोई पूछे तो आपको, अब डेसिमल के 4 प्लेस हैं तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 - 1/5 / 1 बोलो 1/5 का माइनस 1/5 का होल क्यूब बाय, बस इसको जोड़ लो आंसर आ जाएगा।